बेकार के लोगों पर समय गंवाने की बजाय खुद की तरक्की के लिए उस कीमती समय का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर के करेंट अफेयर पर। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ ही इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते हैं। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। और दूसरा था कि किस फिल्म को 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी 2019 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये फिल्म आपकी है पार्टिकल्स। और एक खास बात और है, देखिए परसों के वीडियो मैंने 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जितने भी पुरस्कार थे उन सब के बारे में बताया था, तो परसों का आप वीडियो देख के जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कम से कम आपको 1 नंबर का प्रश्न और मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो परसों का वीडियो तुरंत देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के जाने माने पर्वतारोही ब्रैड गोब्राइट की उत्तरी मैक्सिको की सिर राग पर चढ़ने के दौरान मृत्यु हो गई। तो देखिए, जो आपके ब्रैड गोब्राइट है, ये आपके जो है एक अमेरिकी पर्वतारोही थे, और अभी हाल ही में इनकी जो है मृत्यु कहाँ पर हुई है, उत्तरी मैक्सिको की जो है सिर राग पर जो है चढ़ने के दौरान। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यसुहिरो नाकासोन का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके यसुहिरो नाकासोन है, ये जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। और पांचवा था कि जुलाई सितंबर 2019 में विनिर्माण उत्पादन में मंदी और कृषि क्षेत्र की गतिविधि के कारण भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है ये कितना रहा। तो देखिए, भारत का GDP ग्रोथ रेट रहा 4.5%, यानी कि 4.5%। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 2 दिसंबर। आपको याद रखना है कि हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है, ये जो है मानव तस्करी को समाप्त करने और मनुष्यों के शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु हर साल मनाया जाता है। और सबसे खास बात है कि जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के शोषण विषय पर हुए सम्मेलन में 2 दिसंबर 1929 को पहली बार मनाया गया था। तो ये पूरी डिटेल्स आपको याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के बारे में। और देखिए, जो आपका नवंबर 2019 का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है, ये अपलोड हो चुका है Part 1 और Part 2 के रूप में, यानी कि 2 पार्ट में अपलोड हुआ है, और इसमें टोटल आपको 200 करेंट अफेयर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिंक मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोज़ को देख डालिए, क्योंकि ये सारे के सारे करेंट अफेयर जो है आपके आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसकी लिंक आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ और PDF की लिंक आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए, दूसरा प्रश्न आज का है कि हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। देखिए, हज की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश और एकमात्र देश बन गया है भारत, यानी कि इंडिया। और देखिए, अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने अभी हाल ही में हज 2020 के लिए सऊदी अरब के साथ जो है एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, देखिए, अब जो है भारत से मक्का मदीना जाने वाले 2 लाख हज यात्रियों को अगले साल जो है आवेदन, ई वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा, स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी जो है भारत में ही देने वाली ई लगेज टैगिंग व्यवस्था से जो है इसको जोड़ा जाएगा। तो ये खास चीज़ें आप याद रखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका भारत यानी कि इंडिया है, ये दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने हज की प्रक्रिया को जो है डिजिटल बना दिया है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपकी सोमा राय बर्मन जी हैं, ये भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी हैं। और देखिए जो आपका लेखा महानियंत्रक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CGA, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और देखिए खास बात और है, देखिए जो आपकी सोमा राय बर्मन है, इनके नाम से दो खास रिकॉर्ड बने हैं। पहला तो ये जो है ये इस पद को संभालने वाली, यानी कि लेखा महानियंत्रक की पद को संभालने वाली क्रम से 24वीं CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हैं। और ये ऐसी 7वीं महिला हैं जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है, ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, जो आपकी सोमा राय बर्मन है, इन्होंने इस पद पर JPS चावला का स्थान लिया है। तो ये सारी खास चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिए सोमा राय बर्मन के बारे में। और चौथा प्रश्न है कि अबू धाबी ग्रैंड प्री 2019 का खिताब किसने जीता? तो देखिए जो आपका ये अबू धाबी ग्रैंड प्री 2019 का खिताब है, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और जो आपके लुइस हैमिल्टन है, ये जो है मर्सिडीज़ के रेसर हैं, ठीक है। तो ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। और जो आपके लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्री का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और देखिए ये जीत जो है लुइस हैमिल्टन के करियर की 84वीं जीत थी। और इस साल इन्होंने टोटल 21 रेसों में पार्टिसिपेट किया और इनमें से कुल 11 रेसों में जो है इनको जीत हासिल हुई। और देखिए जो आपका ये अबू धाबी ग्रैंड प्री 2019 है, तो इसमें जो है जो आपके विनर रहे ये रहे आपके लुइस हैमिल्टन। और इस प्रतियोगिता में जो है जो आपके रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन है ये दूसरे स्थान पर रहे, और फेरारी के जो आपके चार्ल्स लेक्लर्क है, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहे। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश G20 का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब को जो है G20 का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए G20 क्या है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या रखना है कि जो आपका सऊदी अरब है, ये अभी हाल ही में G20 का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये अध्यक्षता इसको जो है जापान से मिली है, ठीक है। तो सऊदी अरब को जापान के बाद G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो आपका G20 समूह है, इसकी अध्यक्षता ग्रहण करने वाला जो है जो आपका सऊदी अरब है, ये पहला अरेबिक कंट्री बन गया है। तो ये एक अलग से जो है लाइन नोट करिए कि सऊदी अरब G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला पहला अरबी कंट्री यानी कि अरब देश बन गया है। और देखिए जापान से अध्यक्षता मिलने के बाद जो आपका अब सऊदी अरब है, ये अगले वर्ष 21 और 22 नवंबर को अपनी राजधानी रियाद में G20 सम्मेलन में विश्व नेताओं की मेजबानी करेगा। और अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं G20 के बारे में। देखिए जो आपका G20 है, ये 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, तो इन सबके बीच का एक इंटरनेशनल फोरम है, यहाँ की सरकारों और यहाँ के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच का। तो ये डिटेल्स याद रखना है G20 के बारे में। और वर्तमान में जो आपके G20 के अध्यक्ष थे, ये थे आपके जो है शिंजो आबे, क्योंकि जापान को इसकी अध्यक्षता मिली थी, लेकिन ये 2019 के अध्यक्ष रहे। अब 2020 में जो है इसके अध्यक्ष कोई और होंगे, सऊदी अरब से जो है जो कि बिलोंग करेंगे, ठीक है। अभी 2019 के लिए ये रखना है कि 2019 में जो आपके G20 के चेयरपर्सन हैं आपके शिंजो आबे हैं, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। और देखिए G20 की जो स्थापना ये की गई थी 26 सितंबर 1999 को। छठा प्रश्न है, मित्र शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए जो आपका मित्र शक्ति है, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच का जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसके बारे में करेंट न्यूज़ क्या है? देखिए बिहार में भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच का जो आपका अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने वाला मित्र शक्ति नामक संयुक्त अभ्यास है, इसका 7वां संस्करण जो है ये महाराष्ट्र के पुणे के ऑन सैन स्टेशन में जो है आरंभ हो चुका है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मित्र शक्ति 2019 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये प्लेस आपका है महाराष्ट्र का पुणे के ऑन सैन स्टेशन का प्लेस, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पुणे के ऑन सैन स्टेशन में जो है मित्र शक्ति 2019 का जो है आयोजन किया गया, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मित्र शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और सातवां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है संजय धोत्रे। और संजय धोत्रे से जुड़ी न्यूज़ क्या है? देखिए अभी हाल ही में जो आपके संजय धोत्रे हैं, इन्होंने मैक्सिको के गुआ दालजारा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। और देखिए मैक्सिको के गुआ दालजारा में चल रहे इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की खास बात यह है कि भारत को इस साल इस पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सम्मिलित किया गया है। और इसी के साथ जो है भारत इस मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश भी बन गया है।
और जो आपका ये मैक्सिको के गुआदालारा में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिखा है, तो ये जो है स्पेनिश भाषी मेला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला भी है। तो ये डिटेल्स आप याद रखेंगे इस पुस्तक मेले के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो खास चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि जो आपका ये मैक्सिको के गुआदालारा में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जो है सम्मिलित किया गया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और आठवां प्रश्न है कि एडेल अब्दुल महदी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, जो आपके एडेल अब्दुल महदी हैं ये जो है इराक के प्रधानमंत्री थे, और इनकी सरकार का जो है काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो इसी के कारण इन्होंने जो है अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जो आपके ये एडेल अब्दुल महदी हैं, कहीं कहीं का नाम जो आपको आदिल अब्दुल महदी भी जो है लिखा हुआ मिलेगा कुछ हिंदी समाचार पत्रों में। तो एडेल अब्दुल महदी या फिर आदिल अब्दुल महदी जो है ये इराक के प्रधानमंत्री थे, और इनके सरकार का जो है विरोध चल रहा था कई दिनों से वहाँ की जनता के द्वारा, यानी कि इराक की जनता के द्वारा, तो इसी के कारण जो है इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, इराक की बात करें तो इराक की जो राजधानी है ये आपकी बगदाद है, इराक की करेंसी है इराकी दिनार, और इराक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बरहाम साली, और इराक की जो टोटल पॉपुलेशन है 2017 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार है 3.83 करोड़। तो ये सारी डिटेल्स जो है इराक के बारे में आप याद रखेंगे। और नवा प्रश्न आपका है कि नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो देखिए, इस कार्यक्रम का नाम है मिशन इंद्रधनुष। देखिए, इससे पहले भी भारत सरकार ने इस अभियान को चलाया था, लेकिन कुछ बच्चे छूट गए थे, तो उन्हीं को जो है मतलब उन छूटे हुए बच्चों को फिर से टीकाकरण करने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष 2.0 यानी कि इसका दूसरा संस्करण जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। और देखिए, 2 दिसंबर 2019 से जो है ये कार्यक्रम यानी कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू हो चुका है, और ये 2 मार्च 2020 तक जो है चलेगा। और देखिए, इस मिशन के तहत जो है भारत के 27 राज्यों के 272 जिलों को जो है कवर किया जाएगा। और एक खास बात और है, देखिए सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का जो उद्देश्य है ये 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करना है, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं तो इनका रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाव करना है। तो ये पूरी डिटेल जो है आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष 2.0 के बारे में। देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। पहला ये कि जो आपका मिशन इंद्रधनुष 2.0 है ये कब से कब तक चला जाएगा, तो ये जो है 2 दिसंबर 2019 से 2 मार्च 2020 तक चला जाएगा। और दूसरा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये जो है जो आपके 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनके टीकाकरण से संबंधित है, और इसके अभियान में जो है नियमित टीकाकरण से छूटे हुए जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका टीकाकरण करने के लिए जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। और साथ ही गर्भवती महिलाएं जो हैं उनका रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाव करने के उद्देश्य से भी जो है इस मिशन इंद्रधनुष 2.0 को लॉन्च किया गया है। और 10वां प्रश्न है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्यभ्यास है। तो देखिए, जो आपका सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का एक संयुक्त सैन्यभ्यास है, और देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य जो है भारत और नेपाल दोनों देशों की सेनाओं के मध्य बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का जो है आयोजन करना है। और एक खास बात और है, देखिए, जो आपका ये सूर्य किरण नामक सैन्यभ्यास है इससे वन और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधी परिचालन, मानवीय सहायता तथा आपदा राहत, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और विमानन के क्षेत्रों में जो है अंतर सक्रियता बढ़ाई जा सकेगी। तो अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि अगला जो आपका सूर्य किरण सैन्यभ्यास कहाँ पे होगा, लेकिन अभी जो है आप क्या रखना है बस इतना कि सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का जो है एक संयुक्त सैन्यभ्यास है, ठीक है, क्योंकि अगले एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो देखिए, ये पार्टी आपकी है हरियाणा की, हरियाणा की एक पार्टी है JJP यानी कि जननायक जनता पार्टी, ठीक है, तो इसको निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में इस राज्य स्तरीय दल का जो है दर्जा प्रदान किया है। देखिए, जो आपका जननायक जनता पार्टी है इसका गठन जो है दिसंबर 2018 में जो है इंडियन नेशनल लोकदल के विभाजन के बाद हुआ था। और अगर किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं, कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। देखिए, अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाता है तो उसे जो है जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है, जैसे कि जो आपका ये हरियाणा का पार्टी है जो आपका नाम है जननायक जनता पार्टी, ठीक है, तो अब इसको वहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार जो है प्राप्त हो जाएगा।
तो अब ये विशेषाधिकार जो है आपका जननायक जनता पार्टी है, इसको भी मिल जाएगा। अगर ये कोई भी अगला चुनाव वहाँ पे होता है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हुआ या फिर कोई लोकल चुनाव हुआ, तो जननायक जनता पार्टी जो है ये अपने उम्मीदवारों को अपना चुनाव चिन्ह दे देगी, जो कि आपको भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसको प्रदान करेगा इस पार्टी को, ठीक है। तो उसी चुनाव चिन्ह पर जो है इसके सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर JJP जो है इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा नहीं मिलता, तो क्या होता, इसको चुनाव के समय में कोई भी चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग दे देती है और उसको इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आलू गोभी बैंगन को भी मतलब चुनाव चिन्ह मिल गया, तो उस पर जो है जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जननायक जनता पार्टी जो है ये एक राज्य स्तरीय दल बन गया है, कहाँ का, हरियाणा का, ठीक है। और इसका अभी एक स्थायी चुनाव चिन्ह भी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि कर्नाटक के कौन से तेज गेंदबाज T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखिए, कर्नाटक के ये तेज गेंदबाज आपके हैं अभिमन्यु मिथुन। अभिमन्यु मिथुन ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है, इन्होंने एक ओवर में 5 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया है T20 मैचों में। और कहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया है, देखिए, जो आपके अभिमन्यु मिथुन है, इन्होंने ये उपलब्धि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में जो है हरियाणा के खिलाफ हासिल किया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, और इन 6 बॉलों में जो आपके पहले 4 गेंद थे, ठीक है, मतलब बॉलिंग करते समय पहले 4 गेंदों में जो आपके अभिमन्यु मिथुन ने जो है 4 विकेट चटकाए, और फिर जो आपकी ओवर की आखिरी गेंद थी इस पर एक एक विकेट लिया, ठीक है। तो टोटल 5 विकेट इन्होंने जो है चटकाए। तो अभी आपको ये सारी डिटेल याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपके कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं अभिमन्यु मिथुन, ये जो है T20 मैचों में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि 1 दिसंबर 2019 को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, इसका आंसर होता है ये। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका उत्तर होता है ये। और देखिए, साथ ही में विश्व एड्स दिवस की थीम भी आपको बतानी है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस तिथि को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। और देखिए, चौथा प्रश्न आपके लिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, इसका आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, इसका उत्तर बताइए। देखिए, आप कल के वीडियो को तुरंत देख के रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल का जितना भी मतलब करंट अफेयर था बहुत इंपॉर्टेंट था। कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे वहाँ पे थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से भी GS और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।